हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बैंकों के निजीकरण की नीति के विरोध में बैंक की दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन सोलन में बैंक कर्मियों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। बैंक कर्मियों का आरोप है कि केंद्र सरकार बैंक को निजी हाथों में देकर जनता की गाड़ी कमाई को लुटा देगी। सोलन बाईपास स्थित सेंट्रल बैंक से लेकर माल रोड पर सैकड़ों बैंक कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया व केंद्र सरकार को आंखें दिखाते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों से बाज नहीं आई तो आगामी समय में इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को भी बैंक की हड़ताल से काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। एटीएम खाली पड़े हैं क्योंकि बीते दो दिन भी बैंकों में छुट्टी थी, जिससे जनता में भी केंद्र सरकार के खिलाफ रोष है। आज पूरे देश के में पूरे 10 लाख बैंक कर्मचारी सरकार की आर्थिक नीतियां जिसके अंदर निजीकरण एक अहम मुद्दा है उसके खिलाफ सड़कों के ऊपर उतरे हैं। और क्योंकि जो बैंकों का जो निजीकरण है ये बैंक कर्मचारी के साथ साथ आम पब्लिक के भी हक में नहीं है, तो ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारी की ही नहीं है, ये हम जो है आम जो जनता है गरीब जनता है उसके लिए सड़कों के ऊपर उतरे हैं। क्योंकि निजीकरण के अंदर अगर बैंक इसके अंदर अपने मंसूबे में कामयाब होती है तो लोगों का पैसा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगा और उसके लिए ये सरकार सीधे के सीधे जिम्मेवार होगी। और जहाँ तक निजीकरण है ये आज तक किसी भी क्षेत्र में चाहे वो कर्मचारी है आम पब्लिक है जनता है चाहे ये बिजनेस है किसी के भी हक में नहीं है। लेकिन अगर अपनी जो हमारी आज दो दिन की ये हड़ताल है आज और कल जारी रहेगी, इसके अंदर अगर सरकार अपनी जो इनकी नीतियाँ इसको वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में जो हम अपने संघर्ष को हैं और तेज करेंगे। यूनाइटेड फॉर्म का जो हमारे 9 बैंकों का मिलकर एक यूनिफॉर्म जो हमारे एक अम्ब्रेला है उसके अंडर हमारे को सेंट्रल लीडरशिप से जो भी आदेश आएंगे उसको बढ़ चढ़ के जो है पूरे जोश के साथ हम आगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह।